हाय दोस्तों, वी आर मनीष एंड हीना खप्तावाला फ्रॉम डायमंड सिटी सूरत। हम लोग सूरत से बात कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं तो हीना का नाम ऑफिशियल नेम जो है वो डिंपल है, बट हम लोग जब एंगेजमेंट हुआ तब हमने उनका नाम हीना रखा था, तो अभी सभी लोग उनको हीना के नाम से जानते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये हीना ही डिंपल है और डिंपल ही हीना है। और आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं आप हमें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम लोग वो बात बताने वाले हैं कि हम लोग एक ऑर्डिनरी पीपल थे और आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी लाइफ और लाइफस्टाइल हो चुकी है। हम लोग यंग एज में कैसे सक्सेस हुए उसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारी लाइफ की जर्नी इतनी इंस्पिरेशन है वाली है कि आप जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अगर मनीष और हीना ये बिजनेस करके अगर सक्सेस हो सकते हैं तो हम लोग भी जरूर हो सकते हैं। बट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें वो विजडम दिया कि हम लोग ये बिजनेस को समझ पाए। दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे माँ बाप का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी परवरिश की। हमारा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, हम्बल बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, बहुत तकलीफ में हम लोगों ने हमारी लाइफ को काटा है, बट उन्होंने अच्छे संस्कार दिए जिसकी बदौलत आज हम लोग सक्सेस हो पाए। और ख़ास करके मैं दोस्तों बताऊं तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी नहीं रही है कि मैंने पूरी जिंदगी तकलीफ 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 में हमारी लाइफ निकली, तो हम लोगों ने पहले से एक ड्रीम बन चुका था कि मुझे सब लाइफ में सब कुछ चाहिए लेकिन तकलीफ नहीं चाहिए, तो वो मेरा एक ड्रीम बन गया था। और मेरी लाइफ की बात करूँ तो दोस्तों, जैसे मेरा 21 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई किया, 21 साल की उम्र में जैसे मेरा स्टडी कम्प्लीट हुआ, पहला जॉब मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड कंपनी में मिला सूरत हजीरा में। और उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस कंपनी के नज़दीक हमारा घर है, तो मेरा ड्रीम था कि भाई मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे नौकरी मिले तो रिलायंस में ही मिलना चाहिए। और जब रिलायंस में नौकरी मिला मैं बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड था, क्यों? क्योंकि मुझे जो मैंने ड्रीम देखा था वो मेरा जॉब मुझे मिला, दूसरा मैंने जो सैलरी सोचा था उससे ज़्यादा सैलरी मुझे मिला, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे लग रहा था कि लाइफ अभी सेटल होने को आ गई, अभी तकलीफ दूर हो जाएगी और हम लोग लाइफ को एंजॉय करेंगे, बट मैं बहुत बड़ा ड्रीमर्स था। हर एक यंग व्यक्ति होता है वो बहुत ड्रीमर्स होता है, और मैं भी ड्रीमर्स था, हीना भी ड्रीमर्स थी। बट जब हमारा 21 साल की उम्र में मेरी जॉब लगी, उसके बाद 2 साल मैंने जॉब करते करते हर रोज मैं यही सोचता था कि ये काम मैं कब तक करूँगा। हर रोज टिफिन लेके जॉब पे जाता था, आता था, जाता था, आता था, और एक ही दिमाग में चलता था कि ये काम कब तक करूँगा। और मुझे एक आंसर मिलता था कि 7 साल तक तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। और वो सोच सोच के दोस्त मैं थक जाता था। लोग पता नहीं कैसे 60 ईयर्स तक अपनी जॉब कर लेते हैं, और मैं तो सोच के थक जाता था दोस्त। और खास करके मैं आपको बताऊं दोस्तों, और उस टाइम पे जब मैं जॉब पे जाता था 23 साल, 21 साल की उम्र में जॉब पे लगा, 23 साल की उम्र में मुझे फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। मैं मेरी लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूं लेकिन ये रास्ता मेरी सक्सेस की ओर नहीं जा रहा है, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड होने लग गया था। मैं जब भी कहीं पर भी जाता था तो मुझे जॉब के बारे में सोच आती थी। मैं आपको खास करके मेरे बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह में मैंने वो एग्जाम्पल दिए हैं कि गन्ने वाले को आपने देखा होगा समर के सीजन में, वो गन्ना वाला होता है, वो क्या करता है, वो गन्ने को डालता है, पहले सिंगल गन्ने को डालता है। मुझे लगता था कि मैं गन्ना मैं खुद हूं और वो मशीन गन्ने वाला जो है वो हमारा बॉस है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो भी बात करूंगा मैं मेरी बात करूंगा, मेरे सोच की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता था मैं गन्ना हूं, गन्ने वाला एक बार गन्ना डालता है थोड़ा सा रस निकलता है, तो दूसरी बार भी उसको डबल करके डालता है थोड़ा और ज्यादा निकलता है, 4 गुना 8 गुना ऐसे करके वो गन्ने को पूरा निचोड़ लेता है, और उसके बाद जिस गन्ने ने उसको रस दिया वही गन्ने को वो कूड़े में डाल देता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि धीरे 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 एक दिन ऐसा होगा कि मेरी भी 60 इयर्स की एज होगी, मेरे अंदर का पूरा गन्ने के रस निकल गया वैसा पूरा रस निकल जाएगा और मुझे भी कूड़े के अंदर डाल दिया जाएगा। दोस्त, लाइफ ऐसा ही है, सोचिए कि लाइफ ये नहीं है, एक और भी लाइफ हो सकती है। मैं एक लुकिंग जोन में था, मैं यंग था, एम्बिशियस था, जैसे आप लोग अपने आप को सोचते हैं मैं भी वैसा था, बट मैं जब लुकिंग जोन में था यानी कुछ देख रहा था, मुझे कुछ करना था, और मैं शाम को आके घर पे आके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था टीवी देखने के लिए,
या झूठ मूठ का एंजॉयमेंट करने के लिए या पिक्चर देखने के लिए मैं अपने आप को अपना टाइम और करियर वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं मेरी करियर में बहुत ही सक्सेसफुल बनना चाहता, मेरी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहता था। तो मैं ये सोचता था कि कुछ और करें, 8 घंटे के बाद जॉब खत्म होने के बाद मैं सोचता था कि कुछ और किया जाए। और तभी मेरे एक लाइफ में एक ऐसी व्यक्ति का एंट्री हुआ जो मेरे पहले से रोल मॉडल थे, मेरे घर के सामने रहते थे, उनके जैसा मुझे बनना था। उन्होंने एक दिन ये बिजनेस मुझे दिखाया। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 24 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। मैं उम्र इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यंग लोग चाहे तो अपनी लाइफ को बना भी सकते और बिगाड़ भी सकते हैं। 24 साल की उम्र में उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया। मैंने और ज्यादा ये बिजनेस को इवेल्युएट किया, मैंने और ज्यादा मीटिंग्स अटेंड की, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की, जैसे आज सीडी आप सुन रहे हो वैसे हमने सीडी सुनी, स्ट्रीमिंग सुनी। और दोस्तों मैं ये बिजनेस में आ गया 24 साल की उम्र में। और 26 साल की उम्र में ऐसा हुआ कि रिलायंस से मुझे जो पैसा मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था, उससे 4 से 5 गुना ये बिजनेस से मिलने लगा और मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये बिजनेस को और बड़ा कर पाऊंगा। देन मैंने ये बिजनेस में मेरा पूरा टाइम डाला और आज मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी जो इनकम कमा सकता है वो इनकम हम लोग कमा रहे हैं। और ये जो मैंने जॉब छोड़ा वो 26 साल की उम्र में छोड़ा और ये सेम अपॉर्चुनिटी आज आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करने वाले हैं। और खास करके जब हिना का मेरी लाइफ में एंट्री हुआ तभी हमने ये बिजनेस की शुरुआत की थी। ये सक्सेस मेरे अकेले का नहीं है, ये सक्सेस में हम दोनों ने एक साथ जर्नी को हमने आगे बढ़ाया था। और हिना के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है दोस्तों। मैं आज जो भी सक्सेस हूँ उसका बहुत बड़ा श्रेय हिना को जाता है क्योंकि हिना एक ऐसी चीज, हिना ऐसी है कि उन्होंने शादी तो मेरे साथ किया लेकिन हमारा ऐसा समझ लो कि हमारा रिलेशन फ्रेंड से भी ज्यादा है। हम दोनों फ्रेंड की तरह घर में रहते हैं, ऑलवेज हम दोनों मस्ती मजाक और फन रहता है हम जब साथ में रहते हैं। और हिना के अंदर बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, वो बहुत ही केयरिंग नेचर की है, बहुत ही सपोर्टिव नेचर की है। और इसके लिए इतना मैं बोल सकता हूँ, सी इज द बेस्ट मदर, सी इज द बेस्ट वाइफ, सी इज द बेस्ट बहू, मेरे फादर मदर के लिए बहू और उनके मदर फादर के लिए बेस्ट डॉटर है और हमारी टीम के लिए बेस्ट अपलाइन है दोस्त। और इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, मैं चाहता हूँ आप उनसे भी सुनिए। तो हियर इज हिना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिना खप्तावाला है और आज हम सही में बहुत ही एक्साइटेड है। हम आज आपके साथ हमारी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। मैं भी एक बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही सिंपल फैमिली था, लेकिन पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। मैंने बहुत ही अच्छा मेरा एजुकेशन मैंने कम्प्लीट किया, लेकिन जैसे ही मेरा एंगेजमेंट हमारा एजुकेशन मैंने कम्प्लीट किया तो इमीडिएट शादी की बात चलना चालू हो गया। और मनीष के साथ मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। मनीष ने ऑलरेडी उनकी बात में बताया कि भाई हमारा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन मैं आपको हमारे इंटरव्यू के बारे में बताऊं क्योंकि वो थोड़ा यूनिक था। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसे कोई बात करता है। जब मैं फर्स्ट टाइम मनीष के साथ हम मिले तो मनीष ने डायरेक्टली ना तो मेरा नाम पूछा, ना मेरी एज पूछी, कितना पढ़ा लिखे है वो भी नहीं पूछा उन्होंने। डायरेक्टली उन्होंने बात किया कि देखिए मेरी लाइफ में बहुत सारे सपने हैं जिसको मुझे पूरा करना है, तो मैं आपको होटल में नहीं लेके जाऊँगा, मूवी नहीं दिखाऊँगा, घूमने नहीं जाएंगे, पहले मेरे जो ड्रीम है उसको हम पूरे करेंगे, बाद में हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये उन्होंने कंडीशन रखी। जैसे उन्होंने ये कंडीशन रखी मैंने तुरंत ही वही सोचा कि वैसे भी मैंने लाइफ में ये सब कुछ देखा नहीं था, तो कोई बात नहीं, अभी भी नहीं देखेंगे, लाइफ को हम जी लेंगे ऐसे ही करके। तो ऐसे करके मैंने डिसीज़न लिया और मैंने हाँ कहा, हमारा एंगेजमेंट हो गया और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और कुछ ही महीनों के बाद ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया। जब ये बिज़नेस हमारे पास आया, हमने ये बिज़नेस प्लान देखा तो हमने वही डिसीज़न लिया कि नहीं हम करते हैं, क्योंकि मनीष बहुत अच्छी जॉब करते थे, जैसे उन्होंने बताया बहुत एक इंश्योरेंस कंपनी में भी वो काम करते थे, और साथ में ये बिज़नेस करने का हमने डिसीज़न लिया। जब ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया तब मेरी एज 20 इयर्स की थी। आप सोच सकते हैं कि ये 20 साल की एज में यंगस्टर अगर जो रहते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होता है। हमने एक्चुअली हम लोग बहुत सिंपल फैमिली से थे, तो हमने वही सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम करके अगर लाइफ में और अच्छा इनकम कमा पाएंगे, तो हमने डिसीज़न लिया कि नहीं हम करेंगे। और हमने करने का डिसीज़न लिया, हमने काम करना भी चालू किया।
जब हम ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया और हमने काम करना चालू किया ना, तो हमारे पास देखने जाए तो दो रास्ते थे जो आप सबके पास भी हो सकते हैं। हमने वही सोचा कि नंबर वन रास्ता हमने वो सोचा कि अगर आज हम यंग एज है, अगर हमने ये बिज़नेस अभी नहीं बाद में हम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, बाद में हम करेंगे, यंग एज में पहले मज़ा कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन एक हमने देखा कि भाई 2 से 5 साल हम लोग ये बिज़नेस कर लेते हैं, बाद में रेस्ट ऑफ द लाइफ हम एंजॉय करेंगे। तो हमने डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया, क्योंकि हमको लाइफ में बहुत ही जल्दी सक्सेस होना था, यंग एज में सक्सेस होना था, और हमने वही सिलेक्ट किया और हमने आगे काम करना चालू कर दिया। बहुत ही फास्ट, बहुत ही इनोसेंटली और बहुत ही पैशनेटली हमने बिज़नेस को बिल्ड किया। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, हमारी शादी हुई, फिर जॉइंट फैमिली, बच्चे, ये सब कुछ, थोड़ी बहुत जवाबदारी, ये सब कुछ हमारी लाइफ में आया, लेकिन ये सबको हमने बैलेंस करके बिज़नेस को हमने बहुत ही बड़ा किया। देखिए, ये बिज़नेस हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग बहुत सिंपल फैमिली से थे, फिर भी हमने ये बिज़नेस को बिल्ड किया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यंगस्टर होंगे, सिंगल लेडी होगी या हाउसवाइफ होगी, हर व्यक्ति ये बिज़नेस कर सकता है, और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये बिज़नेस, क्योंकि इसमें फिक्स टाइम नहीं है, अपने हिसाब से आप बिज़नेस कर सकते हो। जॉइंट फैमिली में है फिर भी कर सकते हो, आपके बच्चे उसके साथ भी कर सकते हो, मतलब आप खुद की आइडेंटिटी आप बना सकते हो बिज़नेस के थ्रू, और चाहे इतना ये बिज़नेस के थ्रू आप कमा सकते हो। तो बहुत ही बेस्ट बिज़नेस है। हमने ये बिज़नेस साथ में मिलके बिल किया, जैसे सब लोग बोलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ को करना है 50-50 काम करना है, लेकिन हमने ये बिज़नेस 100% काम करके बिज़नेस को बिल किया और बहुत ही मज़ा किया। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये बिज़नेस के थ्रू हमने बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स पाए। ये बिज़नेस में हम एक छोटी इनकम के लिए आए थे, लेकिन आज हम लोग बहुत ही अच्छी डिसेंट इनकम हम ये बिज़नेस के थ्रू कमा रहे हैं। एक दूसरे को बहुत अच्छे टाइम दे पा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हमारे बहुत ही स्ट्रांग है, बच्चों को हम अच्छा टाइम देते हैं, फैमिली को अच्छा टाइम देते हैं, और ये बिज़नेस की इंसेंटिव जो ट्रिप रहती है, मुझे याद नहीं है करीबन 30 से भी ज़्यादा कंट्री हम ये बिज़नेस के थ्रू फ्री में घूम चुके हैं। तो ये सारी जो चीज़ है ना, हमने ये बिज़नेस के थ्रू ही अर्न किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आप भी कीजिए, बहुत ही सिंपल बिज़नेस है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है जैसे मैंने बताया, लेकिन एक डिसीज़न ज़रूर लीजिए। जो हमारा एक स्लोगन है कि जब ये हमने डिसीज़न लिया है तो फास्ट करना है, आप यही सोचिए कि आज करना है और फास्ट करना है, बहुत ही जल्दी सक्सेस पानी है, राइट। ये सोच के हमने बिज़नेस को बिल्ड किया और आज देखिए हमारे पास हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ आज हमारे पास है और हम लाइफ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और मैं यहाँ पे मनीष को बुलाना चाहूँगी, लेकिन एक चीज़ उनके बारे में ज़रूर बताऊँगी कि सही में मेरे लिए ये गॉड गिफ्ट है। अच्छा हुआ उस समय पे उन्होंने मुझे मैंने उनको हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं उनकी लाइफ में मेरा नंबर 5वां था, उससे पहले 4 बहनों ने उनको मना कर लिया था, राइट। तो मैं सही में अपने आप को बहुत ही लक्की मानती हूँ, और बहुत ही उनका केयरिंग नेचर है, बहुत ही हमेशा हमारे फैमिली में वो सबको खुश रखने का ट्राई करते, टीम में भी हर जगह पे वो वही ट्राई करते कि कैसे लोगों को नीचे जाके उनको हेल्प करे, राइट। तो मैं सही में बहुत ही लक्की हूँ, और यहाँ पे आप उनको सुनिए आगे उन्होंने कैसे ये बिज़नेस को बिल्ड किया। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, हियर इज़ मनीष। थैंक यू हिना, हिना ने सही बताया, हिना मेरी लाइफ में 5वां नंबर है, क्योंकि 4 बताया ना कि बहनों ने मना कर दिया। बहनें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी उनके बच्चे हमें मामा बोलते हैं, इसलिए हम लोग बहन बोल रहे हैं। बट मैं आपको सही बताऊं कि थैंक गॉड भगवान ने ऊपर से जोड़ी बना के भेजा है, वो बोलते हैं ना, वो सही बात है। हमारे हिना मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट जोड़ी, मेरी लाइफ पार्टनर है दोस्तों, और हम दोनों पूरी लाइफ को फन के साथ जीते हैं दोस्तों। हिना ने 2 बड़ी गिफ्ट मुझे दी है, मेरे 2 बच्चे, एक है रिद्धि जो मेरी बेटी है, 20 साल की है, और उसका जन्म ही ये बिज़नेस के दौरान हुआ हमारा, क्योंकि मुझे ये बिज़नेस में 23-24 साल हो गए और आज उसकी एज है 20 ईयर्स, और उसका वो उसने पूरी हमारी जर्नी को देखा है, तो वो भी सोचती है कि भाई मुझे बिज़नेस को और ये मेरे फादर की लेगेसी को हमें आगे बढ़ाना है। तो उसने, हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसने सोचा कि हम लोग मैं फूड न्यूट्रिशन करूँगी और डायटिशियन बनूँगी। तो अभी बहुत ही अच्छे वो उसने डिसीजन लिया, अभी हमारे बिजनेस में हमारी टीम है, वो हमारी टीम के साथ जुड़ी है, और वो आज 12% लेवल पे भी पहुँच चुकी है। तो उसके बाद मेरा एक बेटा है जो 15 साल का है, हिमांग, और वो भी मेरे जैसा है और बहुत ही एक्साइटेड है, और ये बिज़नेस में 18 साल हो जाए तो वो ये बिज़नेस करने के लिए एक्साइटेड है। तो आज हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, हम चारों लोग ये बिज़नेस को बहुत ही पैशनेटली, हम लोग ये बिज़नेस को करते भी हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ख़ास करके बताऊं दोस्तों, देखो लाइफ ये नहीं है
अभी मैं जो बात बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी बातें हो सकता है आपकी लाइफ चेंज कर। लाइफ ये नहीं है कि स्टडी कंप्लीट किया और आप जॉब बिजनेस या प्रोफेशन पे लग गए और पूरी जिंदगी 7 साल तक करते रहे और बस भगवान ने ऊपर बुलाया तो पहुंच गए। नहीं, भगवान ने आपको बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद अगर मनुष्य उतार लिया है तो अब ये जिंदगी को जीना है, लाइफ को काटना नहीं है। यहां पर अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी, आज जो बात आप सुन रहे हैं ये इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भगवान का प्लान है कि आप ये बिजनेस करो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो। और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना वो होता है ड्रीम। और ड्रीम अगर आपके पास है तो ड्रीम कब पूरा करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अभी मर्सिडीज का ड्रीम देख रहे हो लेकिन मर्सिडीज उस टाइम पे आएगी जब वो मारुति जैसी उसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी ड्रीम देखना भी इंपॉर्टेंट है और ड्रीम को टाइम पे पूरा करना भी इंपॉर्टेंट है। आज जो आप जॉब या बिजनेस या प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, चेक तो कीजिए कि वो क्या आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कैपेबल है। क्योंकि लोग ड्रीम कुछ और देखते हैं और उनके पास वो व्हीकल या जरिया नहीं होता है कि वो ड्रीम को टच भी कर सके। और ये जो आज जरिया आपने आप हमें सुन रहे हो, जो बिजनेस हमने ये व्हीकल के हमारे इनकम के व्हीकल के तौर पे हमने अपनाया, आज हमने ये बिजनेस के द्वारा कितने अवार्ड और रिवॉर्ड पाए हैं। ये बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये कपल बिजनेस है और यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ को हर एक अवार्ड और रिवॉर्ड साथ में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही आदमी को मिलता है। और यही बिजनेस से हमें टेंजिबल इनटेंजिबल इतनी सारी चीजें मिली जो हम आपको शायद ये छोटे से टॉक में बता भी नहीं सकते। बट मैं इतना बता सकता हूँ, जैसे बताया बहुत सारी ढेर सारी हमने फॉरेन ट्रिप ली है, मैं इतना बता सकता हूँ ये बिजनेस से हमें बहुत ही अच्छी, कभी लोगों का ड्रीम भी हो सकता है, ऐसा समझो कि ड्रीम नहीं भी हो सकता है, ऐसी इनकम हमने पाई है। इवन मैं तो ऑलवेज बोलता हूँ कि वो बोलते हैं ना कि ड्रीम्स कम ट्रू, हमने तो जो ड्रीम भी नहीं किया था आज हमारी लाइफ में वो भी ड्रीम कम ट्रू हुआ है ये बिजनेस के कारण। यही बिजनेस के कारण आज हमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिला। दोस्त आप कुछ भी करते हो, सबसे पहले मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी लाइफ में पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हो उसका एंड रिजल्ट देखिए कि एंड रिजल्ट क्या होगा। लोग क्या करते हैं स्टडी के बाद जो जॉब बिजनेस प्रोफेशन करते हैं पूरी जिंदगी काम करने के बाद पता चलता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, बट एंड रिजल्ट आप सोचिए कि क्या होगा। ये बिजनेस का मुझे पता है, ये बिजनेस से आपको समय, पैसा, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, अवार्ड और रिवॉर्ड, फॉरेन की ट्रिप्स, सब कुछ एक साथ मिल सकता है और इसके कारण से आपको पीस ऑफ माइंड भी मिल सकता है। दैट मीन्स आज ये बिजनेस में हम हमारी एनर्जी के साथ, हमारी पैशन के साथ ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं, हमें मजबूरन नहीं करना पड़ता है। तो ये चॉइस आपके पास है। प्रोग्राम हमें ये बिजनेस के द्वारा हमें हमारे वर्ल्ड का बेस्ट मेंटर मिला। मैंने शुरुआत में बताया कि हमारे रोल मॉडल थे जिन्होंने हमें बिजनेस दिखाया, वो कपल हिज नन अदर देन रवि प्रकाश एंड मंजू साहब। आज हमारी जो भी हमारी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस या कुछ भी देख लो या मेरी सक्सेस देख लो, आज उन्होंने हर एक स्टेप पे हमें चलना सिखाया और हमें यहाँ तक ये लेवल तक पहुँचाया। आज वही कपल के बदौलत आज मेरी लाइफ में ग्लोरी है। और वो कपल के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ दोस्त कि हम लोग उसको भगवान के इक्वल दर्जा देते हैं। आज वो कपल नहीं होते तो हम लोग, मैं और हीना कहाँ पर होते हैं, हमें वो सोच के भी डर लगता है। और मैं खास करके बताऊं कि ये बिजनेस बिल्ड करते करते हमें ऐसे मेंटीज भी मिले, ऐसे लीडर्स भी मिले जो हमारे फॉलोअर्स थे, जिसमें खास करके मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा बिजनेस जिन्होंने बिल्ड किया जयसेन स्मिता वर्मा, आज ये बिजनेस में एक डायमंड लेवल पे है। हम भी डायमंड है, वो भी डायमंड है, उनके नीचे बहुत सारे एमरल्ड, सफायर, फाउंडर प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, बहुत सारे सिल्वर प्रोड्यूसर। दूसरे हमें मिले भावे से रेखा वडाया, उसके बाद अजय मिनल पंडिया, उसके बाद देवांगन पारुल पंचोली, ऐसे ऐसे लीडर्स मिले। इसके बाद हमें मिले जयसिंह सोनल पटेल, बहुत ही मेहनती एम्बिशियस कपल। उसके बाद हमें मिले भावे सेन स्मिता साहब, उनके नीचे हमें बहुत ही डायनेमिक यंग कपल मिले, ध्रुमिल एंड हिनल साहब। उसके बाद हमें मिले सनी एंड हेमाली दवे, जो भी वो भी बहुत ही यंग कपल है और बहुत ही पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड करते हैं। उसके बाद हमें मिले मेहुल एंड प्रेरणा देसाई, जो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं।
और हमें खास करके मिले भाविक एंड दीप्ति कापरी, ऐसे ऐसे एम्बिशियस लोग मिले जिसके कारण से आज हमारा ना सिर्फ सूरत, ना सिर्फ गुजरात बड़े बल्कि इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज में भी हमारा बिजनेस आज हमारे पास है। और खास करके एक और कपल का मैं नाम बोलना चाहूंगा, संदीप एंड हेतल जोशी जो PhD कपल है। ऐसे ऐसे लीडर्स मिले, आपको भी मिलेंगे, हमें मिले तो आपको भी मिलेंगे। तो ये खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा। और फाइनली मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा दोस्त कि ये बिजनेस आपके लिए, इसीलिए आपको दिखाया गया है। आप ये बिजनेस को इवैल्यूएट कीजिए, ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं तो भगवान को प्रेयर करूंगा कि वो आपको वो ये बिजनेस समझने की विजडम दे। फाइनली एक स्टोरी के मैं मेरा खास करके ये टॉक खत्म करना चाहूंगा। ये स्टोरी में आपका सभी मीनिंग्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ये स्टोरी ऐसा है कि एक महादेव भगवान के बहुत ही भगत थे, दिन रात भगवान की प्रार्थना करते थे। एक बार वो पहाड़ की एक बहुत बड़ी चोटी पे वो भगवान की प्रे कर रहे थे और क्या हुआ कि वो गिर गए, उनका पांव स्लिप हो गया और वो नीचे खाई में गिर गए। और जब जी वो गिरने लगे फाइनली उनके हाथ में एक जार की उनके हाथ में डाली हाथ में आ गई, तो उन्होंने वो पकड़ लिया और वो इतने डर गए थे और भगवान को प्रे करने लगे, शंकर भगवान बचा लीजिए। लेकिन क्या होता है, ऊपर से आकाशवाणी होता है कि बेटा डाली छोड़ दे। उसको लगा कि कोई मस्ती कर रहा है, तो उसने आंख बंद करके वापस भगवान को प्रे करना चालू किया कि भगवान बचा ले। तो ऊपर से वापस आकाशवाणी हुई कि बेटा डाली छोड़ दे। दो तीन बार ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कोई मस्ती कर रहा है। बाद में उन्होंने पूरी रात वो डाली पकड़ के खड़े रहे। बाद में वो थक गए, हार गए, उनको लगा कि शंकर भगवान बचाने नहीं आएंगे। और फाइनली उन्होंने सोचा कि अभी मर जाने से बेटर कोई रास्ता नहीं हो सकता है, और वैसे भी मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने जैसे डाली छोड़ा तो जमीन से वो सिर्फ 1 फुट ऊपर थे। इसीलिए भगवान उसको बार बार बोल रहे थे कि आपकी और आपकी लाइफ में के बीच में सिर्फ 1 फुट का रास्ता फासला है, आप डाली छोड़ दीजिए। दोस्त, आपके और आपके सक्सेस के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन का फासला है। आप एक डिसीजन छोटा सा लेंगे ये बिजनेस करने का, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। और मैं खास करके भगवान से भी प्रे करूंगा कि भगवान आपको ये बिजनेस समझने की शक्ति दे, बुद्धि दे। और जैसे आज हमारी लाइफ चेंज हुई है, आप हमारे से भी आगे बढ़े, आप हमसे भी आगे सक्सेसफुल बने, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।